फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने मोबीक्विक जी पे लेटर बैलेंस को अपने बैंकों में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, कॉम्प्लीट एकदम सही जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने मोबीक्विक जी पे लेटर बैलेंस को अपने बैंकों में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर इसके लिए आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी होगी जिससे आपका मोबीक्विक जी पे लेटर बैलेंस आपको ईजिली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिनका अगर आप यूज़ करते हो डेफिनेटली तो फ्रेंड्स 100% आपको ये वर्क करेगा और आपको जो मोबीक्विक जी पे लेटर बैलेंस जो आपका है फ्रेंड्स वो आपके बैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर इसका आप यूज करके आप वापस पैसे आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट एकदम सही जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फ्रेंड्स, मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इसके बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका मोबीक्विक जी पे लेटर में जो भी बैलेंस है उसको ट्रांसफर करने के लिए कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको यह वर्क जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले था स्नैप पे में एक ऑप्शन आता था जिससे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते थे वॉलेट टू में। ठीक है, आपको मैंने कंप्लीट उस पर वीडियो बनाया हुआ था, जब भी ये ऑप्शन चल रहा था वहाँ से वर्क कर रहा था तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस प्रकार आप ट्रांसफर कर सकते हो। पर फ्रेंड्स, वहाँ पर अभी ऑप्शन हट चुका है और वहाँ से स्नैप पे के जरिए अब यह ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको कैसे क्या करना है वो आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, किसी भी प्रकार से आपको आप अपने जी पे लेटर बैलेंस को अपने बैंकों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको स्नैप पे एप्लीकेशन में ले जाकर बताता हूँ कि वहाँ से आप किस प्रकार से कर सकते हो। वहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर वो वर्क करता है तो आप वहाँ से कर सकते हो, अगर वो नहीं करता इसके बाद में मैं आपको कुछ एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं स्नैप पे एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्नैप पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल आपको वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको अटेलिटी पेमेंट का सेक्शन दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, बस आपको इस अटेलिटी पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है वो आपके सामने शो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पेमेंट डालना है, कितना आपने जी पे लेटर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, जो भी बैलेंस आपके जी पे में है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको पर्पस सेलेक्ट करना है और रिसीवर यहाँ पर जो भी है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है, सेम डे और इंस्टेंट पे। सेम डे में आपको उस दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, इंस्टेंट पे में आपको तुरंत आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। दोनों पर थोड़ा अलग अलग चार्ज है, सेम डे में कम चार्ज है, इंस्टेंट पे में ज़्यादा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों में से आपको जो भी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे पेनव दिख रहा है, पेनव पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेनो पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिनर क्लब अमेक्स कार्ड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका आप मोबीक्विक जी पे लेटर में आपको अमेक्स कार्ड मिला हुआ है उस अमेक्स कार्ड की आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने कार्ड के नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, सीवी नंबर डालना है और नेम ऑन कार्ड पर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड डाल देना है और इसके बाद में आपको नीचे प्रोसीड दिख रहा है, प्रोसीड कर देना है। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डालने हैं, ओटीपी आपको मोबीक्विक जो एप्लीकेशन है उसमें उस कार्ड के नीचे आपको एक ओटीपी शो होंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ओटीपी शो होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ओटीपी आपको वहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप सबमिट ओटीपी करोगे तो फ्रेंड्स आपको जो भी जी पे लेटर बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा चार्ज लगेगा, वो चार्ज आप देख लेना है अपने हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर आपका नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स दूसरा आपको क्या तरीका यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स ट्रांसफर करने का अभी यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, तो सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपल आपको ऑल सर्विस दिख रहा है, इस ऑल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको LIC इंश्योरेंस दिख रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिख रहा है। इन दोनों फ्रेंड्स आपको क्या करना है, किसी अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है फ्रेंड्स, तो इन दोनों तरीकों को आपको यूज़ करना है, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के यहाँ पर फ्रेंड्स किसी को भी रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, लाइफ इंश्योरेंस का बिल पेमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, EMI पेड करनी है, सभी इन कामों के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो, उनसे आप वापस पैसे ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उनका आप वर्क कर दीजिए, सिंपल आपको वो पैसे दे देंगे और आप उन पैसों को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और वापस आप अपने जी पे लेटर बैलेंस को आप इजीली आप अपने पैसे आप आसानी से ले सकते हो। यानी फ्रेंड्स आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है वो आपका यहाँ पर जी पे लेटर से हो जाएगा और जो भी आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर किसी के भी आप ये करते हो रिचार्ज कुछ भी तो उनसे आप सीधे पैसे ले लीजिए। तो फ्रेंड्स यही तरीका है, सिंपल दोनों तरीके मैंने आपको कंप्लीट बता दिए, इनके अलावा कोई अभी दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर अपने जी पे लेटर बैलेंस को ट्रांसफर करने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।